यहां उपस्थित भाइयों बहनों और पत्रकार मित्रों, सबसे पहले मैं गुरु पर्व और करतारपुर साहब कॉरिडोर की बधाई आप सबको हृदय से देता हूं। जो बोले सो निहाल, वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतह। श्री गुरु नानक देव जी की जन्म जयंती प्रकाश पर्व की मैं फिर से एक बार आप सबको हृदय से बधाई देता हूं। सो दरु केहा, सो घरु केहा, जितबई सरब समाले, बाजे नाद असंखा केते बावन हारे, केते राग परी शिव कहनी, केते गावन हारे। गुरु नानक जी परमपिता से प्रश्न कर रहे हैं कि तेरा द्वार कहाँ है, तेरा घर कहाँ है, और खुद ही जवाब दे रहे हैं कि अनेक नाद बज रहे हैं और असंख्य बजाने वाले लोग हैं, देवता तेरे द्वार पर बैठ कर गा रहे हैं, ओमकार ही तेरा द्वार है। आज इस पर्व पर अहनद नाद के इस पवित्र स्थान से मैं जम्मू कश्मीर के सभी नागरिकों को बधाई देता हूं और उनके स्वस्थ जीवन की मंगल कामना भी करता हूं। परमपिता परमात्मा तक पहुंचने के अनेकों रास्ते हैं, कोई साधना से उन तक पहुंचता है, कोई कर्म योग से, तो कोई भक्ति योग से उन्हें गा करके प्राप्त करता है। मित्रों, जिस दिन गुरु नानक देव जी के गीत की एक कड़ी हाथ लग जाती है, जिस दिन एक सूत्र समझ में आ जाता है, उसी क्षण उस एक धागे के सहारे इंसान ईश्वर के दरवाजे पहुंच जाता है। जितना गुरु नानक जी की वाणी को मैं अल्प बुद्धि का आदमी समझ पाया हूं, उन्होंने जन जन की सेवा को सबसे ऊपर रखा था, और वह भी निस्वार्थ सेवा, और वो हमेशा मानते थे ये निस्वार्थ सेवा अनमोल है। उनके एक एक शब्द आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने 500 वर्ष पहले थे। एक बड़ी छोटी कहानी है, गुरु नानक जी जब बड़े हुए तो उनके पिताजी ने उन्हें सामान खरीदने के लिए कुछ पैसे दिए और पड़ोस के गांव में भेज दिया। एक सलाह भी दी उन्होंने कि दूसरे गांव से सस्ते में खरीदना और जो कुछ खरीदना इस गांव में लाकर थोड़ा महंगे में बेचना। और मुझे लगता है कि हर धंधे का उसूल भी यही है कि जो भी करो उसमें मुनाफा हो। गुरु नानक जी ने सामान तो खरीदा, लेकिन जब वापस आ रहे थे तो रास्ते में कुछ साधु मिल गए। कई दिन से भूखे थे साधु लोग, पिताजी के सिखाए धंधे के मुनाफे की बात वो भूल गए। गुरु नानक जी ने पूछा कि भाई आप लोग भूखे बैठे हैं, उठिए, क्यों नहीं गांव चले जाते और कुछ खा लेते हैं। साधुओं ने कहा, यही तो हमारा व्रत है कि जब परम पिता की मर्जी होगी तो वही हमें भोजन देंगे। गुरु नानक जी थोड़ी देर के लिए सोच विचार में पड़ गए, फिर विचार किया उन्होंने और उन्हें लगा कि भूखे को भोजन कराने से ज्यादा लाभ और कुछ हो नहीं सकता है, और तत्क्षण उन्होंने निर्णय किया कि जो खाने का सामान वो खरीदे हैं वहीं साधुओं को दे देंगे। गुरु नानक जी के साथ उनके एक मित्र भी थे बाला, उन्होंने गुरुजी से कहा कि क्या आप पागल हो गए हैं, आपके पिताजी ने कहा है कुछ लाभ कमा के आना और आप तो सब लुटाने पर उतारू हो गए। लेकिन गुरुजी ने बात अनसुनी कर दी और साधुओं को खिला पिला कर प्रसन्नचित होकर घर लौट आए। पिताजी ने देखा कि बेटा खाली हाथ आया है, जाहिर सी बात है कि गुस्सा आया उन्हें, और बोले कि तू सब कुछ बर्बाद कर देगा। गुरु नानक जी ने कहा कि आप सोचिए,
मैंने भूखे साधुओं को भोजन कराया है और इससे ज्यादा लाभ, इससे ज्यादा मुनाफा किसी और काम में हो नहीं सकता है। मैं तो लाभ कमा कर लौटा हूं, लेकिन निस्वार्थ भाव का यह लाभ दुनिया में कम लोगों को दिखाई पड़ता है। मित्रों, सेवा में लाभ भले ही मटेरियल के रूप में न दिखाई पड़े, लेकिन वह अंतरतम को, अंतःकरण को प्रतिपल समृद्ध बनाता है। और इसलिए मैं मानता हूं कि सच्चा इंसान वही है जो गुरु नानक जी के साहस और समर्पण की तरह जरूरतमंदों की सेवा करे, और मुझे लगता है कि प्रकाश पर्व का संदेश भी यही है। अनेक ऋषियों ने इस भाव को अपने अपने शब्दों में बयां किया है। संत कबीरदास जी ने कहा है कि जो घर बारे आपनों चले हमारे साथ, किसी के घर में अपने घर को जलाकर दूसरों के घर में रोशनी करने की हिम्मत जिसमें है वही परम पिता के द्वार में प्रविष्ट होता है। एक ओंकार सतिनाम कर्ता पुरुष निर्भव निर्वैर अकाल मूर्ति अजुनि सभम गुरु प्रसादी आदि सच जुगादि सचु है भी सच नानक होसी भी सच। गुरु नानक देव जी कहते हैं कि उस एक का जो नाम है वही ओंकार है, वही सतनाम। कर्ता पुरुष भी वही है, भय से रहित है, वैर से रहित है, कालातीत मूर्ति है, अयोनि है, स्वयंभू है, और ये गुरु कृपा से ही प्राप्त होता है। एक और गुड़ बात उन्होंने कही है, और मैं समझता हूं कि जम्मू कश्मीर की नई पीढ़ी को गुरु नानक जी के इस महत्वपूर्ण वाक्य कर्ता पुरुष को भी समझना आवश्यक है। गृहस्थ जीवन में रहते हुए उन्होंने परमात्मा का ध्यान किया और पूरी दुनिया को यह संदेश दिया कि कर्ता सृष्टि से अलग नहीं है, बल्कि जिसने ये दुनिया बनाई है वह सृष्टिकर्ता है और सृष्टि में समाहित भी। और इसीलिए कर्म सर्वोपरि, ये सिख गुरुओं की परंपरा है। मैं देश के सम्माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का भी हृदय से साधुवाद करना चाहूंगा, जिन्होंने गुरु परंपरा को जन जन तक पहुंचाने के लिए राष्ट्रीय कर्तव्य के रूप में एक वृहद कार्य योजना बना करके इसे आगे बढ़ाया है। दूसरी खुशी की बात है जो मैंने पहले कहा कि प्रकाश पर्व से पहले ही करतारपुर कॉरिडोर खोल दिया गया है, जो सिख समुदाय और गुरुओं के प्रति उनकी अपार श्रद्धा को दिखाता है। मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि जम्मू कश्मीर में सिख समुदाय ने मानवता की सेवा की परंपरा गुरुओं के आशीर्वाद से बढ़ चढ़ करके इस काम में हिस्सा लिया है। अभी कोरोना की सेकेंड वेव के दौरान चाहे लोगों को भोजन पहुंचाना हो, राशन पहुंचाना हो, सिख समुदाय ने जो कार्य किया है वो केवल जम्मू कश्मीर के लिए नहीं बल्कि पूरे देश के लिए प्रेरणास्पद है। मित्रों, पिछले 500 सालों में हिंदुस्तान के इतिहास में कभी भी ऐसा वक्त नहीं आया जब गुरु नानक देव जी के दर्शन ने सर्व समाज का मार्ग न प्रशस्त किया। उनके धार्मिक सद्भाव और अहिंसा की शिक्षा आज भी मानवता के लिए प्रेरणा स्रोत है। चाहे जितनी भी बाधाएं, मुश्किलें हों, चुनौतियां हों, उनका सामना करने की शक्ति हमें गुरु जी के जीवन और उनके दर्शन से मिलती है। धौल धर्म दैधा का पुतु संतोष थाप जिनि सूती जे को बूझे होवे सचियारू। मित्रों, गुरु नानक देव विविधता है, अनेकों उपासना पद्धतियां हैं, अनेक भाषाएं हैं, अलग अलग तरह के रहन सहन हैं, लेकिन ये देश, ये राष्ट्र एक है, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने जिस धर्म को जीवन का आधार माना है वह धर्म धारण करने वाला है, वह धर्म समन्वय करता है, वह धर्म जोड़ता है, तोड़ता नहीं है। और इसी धर्म की, इसी विचार की रक्षा के लिए गुरुओं के त्याग बलिदान से भारत का इतिहास भरा पड़ा है। गुरु नानक देव जी ने एक और बात कही है,
दया और संतोष मनुष्य का पूरा जीवन मैं मानता हूं कि इन दो शब्दों में समाया हुआ है। ये अपने आप में एक संपूर्ण जीवन दर्शन है, संतोष और मानव सेवा का। गुरु नानक देव जी का मंत्र खुद के जीवन में ढालना और जन जन तक पहुंचाना, मैं समझता हूं कि आज अगर यही हम संकल्प लेते हैं तो ये सबसे बड़ा कर्तव्य हमारा होगा। आजादी के अमृत महोत्सव में अनेक कार्यक्रम हो रहे हैं, इस दौरान हमें गुरु नानक देव जी की शिक्षाओं को समाज के कोने कोने में पहुंचाने का प्रयास करना चाहिए। आज की युवा पीढ़ी को डिजिटल टेक्नोलॉजी के उपयोग से, इन कार्यक्रमों से जोड़कर मानव सेवा के जागृत संदेश पहुंचाए जा सकते हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि पावन पर्व और इससे निकले अमृत से हम जम्मू कश्मीर के सभी नागरिकों को गुरु जी के पद चिन्हों पर दो कदम चलने की प्रेरणा जरूर मिलेगी। मित्रों, मेरे पूर्व संचालक महोदय ने आपको सूचना दी है, आज सम्माननीय प्रधानमंत्री जी ने कृषि कानूनों को वापस लेने की बात कही है। मैं उस विषय में नहीं जाना चाहता हूं, उस पर लोगों की राय अलग अलग है, लेकिन एक बात मैं कह सकता हूं कि 2014 के बाद चाहे वो MSP का इंक्रीज हो या प्रोक्योरमेंट, अगर आंकड़ों की बात आप करेंगे तो मुझे लगता है कि इसके पूर्व न MSP इतनी थी न प्रोक्योरमेंट इतना होता था। लेकिन कोशिशों के बावजूद किसानों के एक वर्ग को सरकार समझा नहीं पाई और आज के इस पवित्र दिन पर सम्माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश को आश्वस्त किया है कि आने वाले पार्लियामेंट के सेशन में इन कानूनों को रिपील कर दिया जाएगा। मैं समझता हूं कि लोकतंत्र में जनता की इच्छा का सम्मान करना ये लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती है। वो काम सम्माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है, एक ज्ञापन मुझे भी यहाँ दिया गया। मुझे लगता है कि पवित्र पर्व पर ज्ञापन की चर्चा करना बहुत मुनासिब नहीं समझता हूँ, लेकिन जो बात मैंने पिछली बार दोहराई थी पंजाबी को लेकर के जो आपकी भावना है, उस भावना से मैं पूरी तरह सहमत हूँ। जम्मू कश्मीर प्रशासन प्रतिबद्ध है पंजाबी के विकास के लिए और जो आपकी इच्छा है वो आने वाले समय में पूरा हो, इसकी जरूर कोशिश की जाएगी। जहाँ तक कानून व्यवस्था का सवाल है, दुखद घटना हुई, ऐसा नहीं जाएगा। और भी कुछ बातें हैं, कभी मिल करके 2-3-4 दिन बाद जब आप चाहेंगे तो व्यक्तिगत रूप से हम चर्चा कर सकते हैं। मैं एक बार पुनः आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं और जम्मू कश्मीर के 125 करोड़ नागरिकों से निवेदन करता हूं कि इस पावन अवसर पर हम सब गुरु नानक देव जी द्वारा दिखाए गए सत्य और ईमानदारी के मार्ग का अनुसरण करने का संकल्प लें। बहुत बहुत धन्यवाद। जो बोले सो निहाल, वाहे गुरु जी का खालसा।